हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद अंकित में। और मैं अंकित कुमार आप सभी के लिए NTA UGC NET JRF ज्योग्राफी सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 9 कार्टोग्राफी एंड टेक्निक्स यानी प्रैक्टिकल सेक्शन की सीरीज़ में ये नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ रिमोट सेंसर्स, यानी कि जो दूर संवेद होते हैं, दूर संवेद यानी कि रिमोट सेंसर। यहाँ पे सेंसर जो है, सेंसर कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी को हम आज डिटेल में देखेंगे। और उतना ही देखना चाहिए हमें इस टॉपिक को, क्योंकि देखिए इस टॉपिक में आपको मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ। जो सेंसर होते हैं उनकी बहुत सारी स्पेशलिटीज़ होती हैं, उनका रेजोल्यूशन क्या है, उनका जो ब्रूमिंग का टाइप है वो कौन सा है, वो विस्क ब्रूम है, पुश ब्रूम है, ठीक है। लेकिन इस टॉपिक में उतना ज़्यादा डेप्थ में बिल्कुल भी जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मेरे को क्या करना है, मेरे को तो बस आपको बता देना है, पढ़ना है और सीधा आपको यहाँ पे लेक्चर आगे दे देना है, ठीक है। लेकिन आपके ऊपर बर्डन हो जाएगा, इस वजह से हमें उस टॉपिक को उतना ही देखना है जितनी उसकी डिमांड है, जितनी उसकी ज़रूरत है, ठीक है। और इस टॉपिक की इतनी ज़रूरत है, बस आपको हल्का सा मीनिंग अगर क्लियर है तो आपका इसमें काम बन जाएगा। इससे ज़्यादा डेप्थ में आपको बिल्कुल भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस टॉपिक में बिल्कुल भी डेप्थ में ना जाएं। अगर आपने मेरा पहले इस टॉपिक का जो पहला लेक्चर है, जिसमें मैंने बताया था कि रिमोट सेंसिंग और GIS को कैसे करके हैंडल करेंगे आप, तो उसमें आप देखेंगे मैंने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लगाया था, उसमें क्वेश्चंस को जो रिमोट सेंसिंग GIS से पूछे गए, तो बहुत ही सरफेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपको इसमें इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल बेशक पढ़ सकते हैं, लेकिन उतना आपके एग्ज़ाम में वो काम नहीं आएगी। और यही चीज़ है जो एक सिलेक्टेड और एक नॉन सिलेक्टेड पर्सन को अलग करती है। सेलेक्टेड जो लोग होते हैं वो कुछ अलग नहीं करते, बस वो उतना करते हैं किसी भी टॉपिक में जितनी उसमें ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसी चीज़ के साथ हम इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके दो पार्ट आएंगे। इस पार्ट में मैं आपको आज काइंड्स ऑफ रिमोट सेंसर बताऊंगा, उनके जो किस तरीके के वो जो स्पेक्ट्रम होता है, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम जो है, सॉरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, वो उसको ऑब्जर्व करने के करेक्टरिस्टिक के टाइप्स में के हिसाब से मैं आपको आज बताऊंगा, ठीक है। और फिर कल हम इसका जो ब्रूमिंग है उसके हिसाब से मैं आपको इसका बताऊंगा, ठीक है। और उस नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिजोल्यूशन पे बात करेंगे, यानी कि विभेदन होता है, विभेदन के IFOV के बारे में, इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू यानी तात्क्षणिक दृष्टि क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसको आज शुरू करते हैं, इस टॉपिक को हम, काइंड्स ऑफ रिमोट सेंसर। सबसे पहले सेंसर, और ये जो सेंसर होता है ना, सेंसर और एक वर्ड होता है सैटेलाइट, ठीक है। सैटेलाइट और रिमोट सेंसर में कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट वो डिवाइस है जिसके द्वारा रिमोट सेंसिंग की जाती है, जिसमें डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, जिसके द्वारा डेटा को रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है। जैसे फोटो जो है, फोटो हम खींचते हैं कैमरे से, कैमरे में लेंस लगा हुआ है ना, तो वो जो लेंस है वो रिमोट सेंसर है, ठीक है, वो सेंसर है। लेकिन सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट एक प्लेटफॉर्म है, जैसे मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताया था ना, सैटेलाइट वो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ये रिमोट सेंसर रखा हुआ है, ठीक है। और ये सैटेलाइट इसको अर्थ के चारों ओर इसको ऑर्बिट करती है। अब वो ऑर्बिट सन सिंक्रोनस भी होता हो सकता है, यानी कि सूर्य तुल्यकालिक भी हो सकता है, वो भूतुल्यकालिक यानी जियोस्टेशनरी भी हो सकता है। तो सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट वो प्लेटफॉर्म है जिस पर ये रिमोट सेंसर रखा हुआ है, और रिमोट सेंसर की मदद से हम किसी भी एरिया को स्कैन करके उसे डाटा एक्वायर कर सकते हैं, डाटा को प्राप्त कर सकते हैं। तो सेंसर क्या है, रिमोट सेंसर एक डिवाइस है, मैकेनिकल डिवाइस है, ठीक है। अब इसी डिवाइस के बारे में मैंने यहाँ पे और चीज़ लिखी है, और उससे पहले मैंने आपको उसका मीनिंग क्लियर कराया था, आई होप कि आपको वो मीनिंग क्लियर हुआ होगा, ठीक है। धरातल के जो विभिन्न लक्षण होते हैं, कहीं पे आपको पर्वत दिखेगा, कहीं पे पठार, कहीं पे वेजिटेशन दिखता है, वनस्पति, कहीं पे आपको बंजर भूमि दिखती है, कहीं पे सेटलमेंट है, ठीक है, सड़क है, तो इन्हीं विभिन्न लक्षणों से परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्टेड या उत्सर्जित यानी कि एमिटेड विद्युत चुंबकीय ऊर्जाओं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज होती हैं, ठीक है, के संबंध में, यानी कि धरातल से जो विभिन्न लक्षणों से परावर्तित ऊर्जा या ऊर्जा जो परावर्तित हुई है या उत्सर्जित ऊर्जा की जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है उनके संबंध में, विद्युत चुंबकीय ऊर्जाओं के संबंध में बिना भौतिक संबंध के, ठीक है, यानी कि हमने अभी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं, काफ़ी दूर से, यहाँ पे क्या है, रिमोट सेंसर लगा हुआ है, ये अर्थ सर्फेस है, बहुत दूर से, ठीक है, बहुत दूर से सूचनाएँ एकत्र करने वाली कोई युक्ति, या फिर उसे हम मैकेनिकल डिवाइस भी बोल सकते हैं, को क्या कहते हैं हम, रिमोट सेंसर, जिसको अभी मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, यहाँ से सन है, सन इधर से ऐसे रेडिएशन, वहाँ से एनर्जी लगातार आ रही है, इस ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस जाती है,
कहाँ, जो रिमोट सेंसर हैं, जो कि इससे बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट इसका कोई भी नहीं है, रिमोट सेंसर यहाँ पर है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और इससे एनर्जी आई और टकरा के गई। इस एनर्जी को जो ऑब्जर्व कर लेते हैं और इसको रिकॉर्ड करके फिर हमें डेटा मिलता है, वो पिक्टोरियल फॉर्म में भी हो सकता है, इमेज के फॉर्म में भी हो सकता है, वो डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो इस फॉर्म में जब हमें डेटा प्राप्त होता है तो वो डिवाइस जो इसे डेटा को एक्वायर कर रही है उसे कहते हैं रिमोट सेंसर। क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं रिमोट सेंसर, ठीक है। अब ये सेंसर जो है ये अलग बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, ठीक है, अभी मैंने नीचे लगाए हुए हैं, कई तरीके के हो सकते हैं रिमोट सेंसर। अब इनका अलग अलग होने का कारण क्या है, किस कारण से ये रिमोट सेंसर जो है अलग होते हैं? तो रिमोट सेंसर में जो भिन्नताओं अलग अलग होने का जो कारण है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को ग्रहण एक्विजिशन के आधार पर होता है। यानी कि हर एक जो कैमरा होता है, जैसे हमारी आँख है, हमारी आँख भी एक क्या है, सेंसर है, जिसके माध्यम से हम चीज़ों को देख पाते हैं, अलग अलग रंगों को समझ पाते हैं, उनके शेप्स को, टेक्सचर को हम समझ पाते हैं। लेकिन हमारी आँख भी जो है पूरे वर्णक्रम का, ठीक है, पूरे वर्णक्रम का, जो मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताया था तो उसमें बताया था आपको कि गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, फिर आता है यहाँ पर कहीं पर आता है छोटा सा एक विजिबल रेज। विजिबल रेज की जो वेवलेंथ होती है यानी कि दृश्य स्पेक्ट्रम की, वो होती है 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर वेवलेंथ होती है इसकी, ठीक है। और इसका जो बाकी वेवलेंथ होती है, बाकी इस पूरे स्पेक्ट्रम में जो भी वेव्स होती हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे गामा, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, इधर फिर इधर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और थर्मल वेव, इतनी जो सारी ये बाकी हैं इनको हम नहीं देख सकते। यानी कि हमारा आँख भी जो है किसी एक निश्चित स्पेक्ट्रम को देख सकता है जिसकी वेवलेंथ 0.4 से 0.7 तक होती है। इसी तरीके से जो बाकी सेंसर हमने जो बनाए हैं वो भी किसी एक निश्चित विद्युत स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं, उसको सेंस कर सकते हैं। इसी के आधार पे हमें अलग अलग तरीके की, हमें रिमोट सेंसिंग, हमें अलग अलग तरीके की क्या है, जानकारी इकट्ठा करने के लिए अलग अलग तरीके के रिमोट सेंसर की ज़रूरत होती है, जो कि उस स्पेक्ट्रम को, उस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम को क्या कर सके, उसके डेटा को कलेक्ट कर सके। कुछ ऐसे स्कैनर होते हैं, कुछ ऐसे सेंसर होते हैं जो कि थर्मल, जो कि हीट किसी अगर ऑब्जेक्ट से निकल रही है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। कुछ ऐसे स्कैनर्स होते हैं जो गामा रेज को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे स्कैनर होते हैं जो एक्स रेज को स्कैन कर लेते हैं, ठीक है। तो इस एक्विजिशन के डिफरेंस में, इस एक्विजिशन के वेरिएशन के कारण, ठीक है, इस भिन्नता के कारण, जिसके कारण कि ये अलग अलग स्कैनर जो है अलग अलग जो विद्युत चुंबकीय विकिरण का जो स्पेक्ट्रम है उसको ग्रहण करने के आधार पे ये रिमोट सेंसर भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। अब जो ये मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का यहाँ पे नाम आया, ठीक है, तो ये जो एनर्जी मिल रही है हमें ये कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इस एनर्जी के आधार पर भी इसको दो भागों में बांटा सकता है। ये एनर्जी हमें दो तरीके से मिल सकती है, या तो वो नेचुरल हो सकती है या फिर वो मैनमेड हो सकती है। अब नेचुरल या मैनमेड का क्या मतलब है, तो नेचुरल पृथ्वी पे सबसे जो बड़ी एनर्जी का सोर्स है वो कैसा है, सन है, ठीक है, और जो मैनमेड एनर्जी है वो अलग तरीके की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंसर्स, जिस प्रकार के सेंसर सन की एनर्जी से, सन की एनर्जी में, सूर्य की एनर्जी में, सूर्य से जो मिलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, उस एनर्जी से प्राप्त उस एनर्जी को प्राप्त करके फोटोग्राफी करते हैं, रिमोट सेंसिंग करते हैं, तो उन्हें कहते हैं क्या, पैसिव सेंसर्स, यानी निष्क्रिय संवेदक। ये मैंने आपको पहले बताया था, ये निष्क्रिय और सक्रिय संवेदक, आपने अगर सीरीज से लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ आप सीरीज से देखें, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इसकी तरह, इसी के अलावा जो दूसरे सेंसर होते हैं, क्योंकि इन पैसिव सेंसर की ना एक लिमिटेशन होती है, वो लिमिटेशन क्या होती है कि ये केवल दिन में ही सेंस कर पाते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। और दूसरी तरफ, एक तो दिन में सेंस कर पाते हैं, दूसरी चीज़ अगर मौसम अगर ख़राब है, बारिश पड़ रही है, धुंध छाई है, कोहरा है, ठीक है, बादल छाए हैं, तो उस दशा में ये वाले जो सेंसर हैं, पैसिव सेंसर, ये रिमोट सेंसिंग करने में असक्षम होते हैं। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने क्या करा, एक्टिव सेंसर का बनाया। अब एक्टिव सेंसर क्या होते हैं, जो ये एनर्जी का सोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इस एनर्जी को हमने क्या करा, अपनी लैब में बना करके उन सेंसर में इस एनर्जी को लगाया। और एनर्जी को लगाने के बाद ये जो एनर्जी होती है, ये केवल सूर्य की एनर्जी पे डिपेंडेंट ना रह करके अपनी खुद की एक एनर्जी रिलीज़ करते हैं, और वो एनर्जी फिर क्या है, ऑब्जेक्ट से टकरा के और फिर वापस आती है, और ये उस सेंसर को, ये सेंसर में आ करके ये सेंसर उसे क्या कर लेते हैं, उसे
कलेक्ट कर लेते हैं और डेटा को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंसर जिनमें अपना एनर्जी का सोर्स होता है, जिनमें उन्हें कहते हैं एक्टिव या सक्रिय सेंसर, ठीक है, एक्टिव सेंसर। तो आई होप कि आपको ये मीनिंग क्लियर हुआ होगा, मैंने पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। पैसिव सेंसर वो जो सूर्य से प्राप्त एनर्जी को प्राप्त करते हैं, और एक्टिव सेंसर वो जो अपनी खुद की एनर्जी को रिलीज करके और रिफ्लेक्टेड एनर्जी प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक एक करके हम देखेंगे, ठीक है, पैसिव सेंसर कौन कौन से हैं, ठीक है, और इनका शॉर्ट शॉर्ट में बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सेंसर एक्टिव है, पैसिव है, और इसके बारे में और जो थोड़ी बहुत डिटेल हो सकती है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले है यहाँ पर दिया हुआ है गामा रेज स्पेक्ट्रोमीटर। अब गामा रेज स्पेक्ट्रोमीटर का मतलब क्या है? गामा रेज स्पेक्ट्रोमीटर का मतलब है कि ऐसे सेंसर होते हैं जो गामा रेज को, अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का जो स्पेक्ट्रम वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि गामा रेज जो होती हैं, गामा रेज वो 0.03 नैनोमीटर से कम की जो वेवलेंथ होती है उन वेवलेंथ को, ठीक है, 0.03 नैनोमीटर की वेवलेंथ या फिर इससे भी कम की जो वेवलेंथ होती है उन्हें हम गामा रेज कहते हैं, और ये गामा रेज गामा स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा ही ऑब्जर्व करी जाती है। तो इस प्रकार से जो सेंसर्स 0.03 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर पाते हैं किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के, जब ये वापस आती है, रिफ्लेक्टेड एनर्जी आती है, उसको जो सेंसर सेंस कर पाते हैं उन्हें कहते हैं गामा रेज स्पेक्ट्रोमीटर। इसी के बाद जो दूसरे होते हैं पैसिव सेंसर में दूसरे नेक्स्ट आते हैं क्या, वीडियो कैमरा। जो नॉर्मल वीडियो कैमरा होता है वो वीडियो कैमरा भी कैसा होता है, पैसिव सेंसर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है एरियल कैमरा जो होते हैं वो भी क्या है, ये एक पैसिव सेंसर का उदाहरण होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जब सूर्य जब निकलता है, सूर्य से जब एनर्जी निकलती है और ये किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के रिफ्लेक्ट होकर आती है, तो ये उसको क्या करते हैं, इसको क्या ऑब्जर्व कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो एरियल कैमरा ये वायव्य कैमरा, इनकी कुछ लिमिटेशन होती है जिनके चलते हमने फिर नेक्स्ट इनका क्या करा, इनको फिर और अपग्रेड किया, क्या कि ये जो वीडियो कैमरा होते हैं ये केवल किसी भी ऑब्जेक्ट की केवल दो शेड्स में, ब्लैक या वाइट, ठीक है, जहाँ से एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है उसको ये वाइट में कन्वर्ट कर देगा, वाइट में, और जहाँ से एनर्जी हमें नहीं मिलती है उसको केवल ये ब्लैक में कन्वर्ट कर देगा। इसी यानी कि ये केवल दो ही शेड्स में, ब्लैक और वाइट, इन दो के अलावा कोई भी और शेड को नहीं कर सकता है, और हमारी आँख जो है वो 16 से 18 शेड्स को देख सकती है, लेकिन ये जो है केवल दो ही शेड्स को दिखाने में सक्षम होता है, जिसके चलते हमने इसको और अपग्रेड किया, तो हमने बनाया यहाँ पे क्या, मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर। अब मल्टी स्पेक्ट्रल जो स्कैनर है वो विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम है, विद्युत चुंबकीय जो वर्णक्रम है उसमें जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि 0.4 से 0.7 का, इसके कई सारे मल्टी स्पेक्ट्रल, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, एक स्पेक्ट्रम पर आधारित ना रह करके ये कई सारे स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व कर सकता है उसमें, क्योंकि 4-5 ऐसे, ये मान लीजिए ये कोई क्या है, मैं अभी यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर ये एक क्या है, मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा है। इस मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरे में यहाँ पर क्या है, 4 सेंसर लगे हुए हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4। अब ये मल्टी स्पेक्ट्रल है क्योंकि, और एरियल कैमरा में केवल एक ही लगा होता है, यहाँ पर मल्टी स्पेक्ट्रल में क्या है, 4 लगे हुए हैं, जिनमें से नीला बैंड के लिए, जो नीला बैंड होता है, ब्लू बैंड विजिबल रेज में, विबग्योर होता है ना, VIBGYO GYO और R, इस विबग्योर में ब्लू बैंड जो होता है, ब्लू बैंड 0.4 से 0.7 तक एक बैंड इसमें ब्लू बैंड का लगा हुआ है, फिर एक बैंड इसमें, एक जो सेंसर है वो हरे बैंड का लगा हुआ है 0.5 से 0.6 की नैनो माइक्रोमीटर की जो वेवलेंथ है, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए। एक इसमें लगा हुआ है किसके लिए, एक इसमें लगा हुआ है लाल बैंड के लिए 0.6 से लेके 0.7 तक का जो माइक्रोमीटर तक का जो वेवलेंथ होती है उसको ऑब्जर्व करने के लिए। और इसमें एक जो फोर्थ देखेंगे आप, फोर्थ लगा हुआ है इसमें जो अवरक्त बैंड होता है, इंफ्रारेड बैंड जो होता है 0.7 से और 1 माइक्रोमीटर तक का जो होता है बैंड, उसको ऑब्जर्व करने के लिए। अब जो भी एनर्जी यहाँ से आएगी, जो हरे में होगी, हरे बैंड की होगी, वो हरे से ऑब्जर्व कर ली जाएगी। अब जो लाल की होगी वो लाल से ऑब्जर्व कर ली जाएगी, ब्लू की होगी ब्लू से ऑब्जर्व कर ली जाएगी, और इंफ्रारेड की होगी तो इंफ्रारेड से ऑब्जर्व कर ली जाएगी। इसी कारण इसको मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड बोला जाता है। मल्टी स्पेक्ट्रल का यहाँ से नाम ही खुद से स्पष्ट समझ में आ रहा है
ठीक है, कि इसमें कई सारे स्पेक्ट्रम को हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब यही इसको ही अब इसी चीज़ को जब हमने हाइपर स्पेक्ट्रल में कन्वर्ट किया, क्योंकि अभी केवल चार ही चीज़ को, चार कलर्स को क्या है ऑब्जर्व कर पा रहा था, चार विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के चार बैंड को ऑब्जर्व कर पा रहा था। अब जब इसी को हमने सैकड़ों में, अब यहाँ पे सैकड़ों सेंसर लगे होते हैं जो कि अलग अलग वर्णक्रम को क्या है ऑब्जर्व कर पाते हैं, तो उन्हें हाइपर स्पेक्ट्रल स्कैनर कहा जाता है। और इसी हाइपर स्पेक्ट्रल स्कैनर को जब हमने और भी ज़्यादा इसको सूक्ष्म तरीके से हमने इसको और भी ज़्यादा क्या किया, अपग्रेड किया, तो हमने इसमें हाइपर स्पेक्ट्रल के अलावा जब अल्ट्रा स्पेक्ट्रल की बात आती है, तो अल्ट्रा स्पेक्ट्रल में 100 से भी ऊपर बढ़ के लगभग हजारों तक हम इसमें छोटे छोटे क्या है सेंसर लगा सकते हैं, और फिर क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट से डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हाइपर और अल्ट्रा स्पेक्ट्रल। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं वो है थर्मल स्कैनर। ठीक है, थर्मल स्कैनर से आपको सभी को पता है कि जो थर्मल स्कैनर होते हैं, जब मैंने स्पेक्ट्रम बताया था, तो 3 से लेके 5 माइक्रोमीटर तक, या फिर जो 8 से लेके 14 माइक्रोमीटर तक के जो वेवलेंथ रेंजेस होती हैं तरंग दैर्ध्य परास, इनको ऑब्जर्व करने वाले जो स्कैनर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, थर्मल स्कैनर। ठीक है, अब थर्मल स्कैनर किस काम में आ सकते हैं, थर्मल स्कैनर जब काम में आते हैं जब हमें किसी भी एनर्जी के रात में जब उसकी हीट से, अब हीट जो है वो कोयले की माइन से भी निकल सकती है, किसी इंसान से भी निकल सकती है, ठीक है, धरती में से भी कुछ ना कुछ हीट निकलती है, तो उस हीट से जो वेजिटेशन वाला एरिया होगा, उस वेजिटेशन वाले एरिया में जो रिलीज एनर्जी होगी, जो उत्सर्जित, जिसे एमिशन बोलते हैं, एमिशन, ठीक है, स्थलमंडल से जो और जलमंडल से जो एमिशन होता है उसके आधार पर जो अलग अलग तरीके का एमिशन होता है, वेजिटेशन से अलग होगा और जो लैंड एरिया है, ठीक है, उससे अलग होगा, इसी के साथ जो सागरीय एरिया वाला है उसको अलग होगा, कोयले की खान से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उससे अलग होगा। तो जो थर्मल यानी कि ताप के आधार पे, तापीय जो स्कैनर होते हैं उनके आधार पे ऑब्जर्व करने वाले स्कैनर क्या कहलाते हैं, थर्मल स्कैनर कहलाते हैं। ठीक है, और इसके लिए ज़रूरी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट जीरो में होना चाहिए, यानी कि परम शून्य में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसी के साथ यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं क्या, माइक्रोवेव स्कैनर। माइक्रोवेव स्कैनर का क्या मतलब होता है, तो माइक्रोवेव स्कैनर का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था कि जो एक मिलीमीटर से और 1 मीटर तक, या 100 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक या 1 मीटर तक के जो वेवलेंथ होती है, माइक्रोमीटर की जो वेवलेंथ होती है उसको स्कैन कर लेने वाले जो वेव स्कैनर्स होते हैं उनको हम कहते हैं माइक्रोवेव स्कैनर। ठीक है, क्या कहते हैं उन्हें, माइक्रोवेव स्कैनर। और ये जो माइक्रोवेव स्कैनर होते हैं, इन्हीं माइक्रोवेव स्कैनर जो माइक्रोवेव वेवलेंथ होती है, ये माइक्रोवेव वेवलेंथ जो आप देखेंगे आपको रडार में भी, जो एक्टिव सेंसर है इसमें भी यूज़ की जाती हैं। ठीक है, हमने क्या करा, इनको आर्टिफिशियली इनको क्या किया, बना लिया और रडार में इनको लगा करके रडार फिर इसको एक क्या करता है, इसको रिफ्लेक्ट करता है और इमिट करता है, और इमिट करने के बाद वो किसी ऑब्जेक्ट से टकरा करके फिर रिफ्लेक्ट होती है और रडार उसको क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, और हम फिर उसे डिजिटल या पिक्टोरियल फॉर्म में डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं और इमेज को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए माइक्रोवेव सेंसर। ठीक है, इसी के बाद जो आते हैं एक्टिव सेंसर जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिनकी खुद का क्या होता है, ऊर्जा का स्रोत होता है, तो इसमें सबसे पहले आते हैं रडार। ठीक है, और रडार मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रोवेव जो वेवलेंथ होती है उनको इमिट करते हैं। ठीक है, और रडार की फुल फॉर्म अगर कभी पूछ ली जाए तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसी के साथ जो नेक्स्ट होते हैं रडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, इनमें लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, सोनार होते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार जो होता है, जितना भी आप देखेंगे समुद्र के नीचे का जो जितना भी एरिया है उसको ऑब्जर्व करने के लिए सोनार क्या करते हैं, अपने साउंड वेव छोड़ते हैं, साउंड वेव, यहाँ पर लिखा हुआ भी नहीं, साउंड वेव छोड़ते हैं, और साउंड वेव जब वो टकरा के आती हैं तो उनका जो टाइमिंग होती है, टाइम इंटरवल होता है, क्योंकि अगर वो काफ़ी दूर तक ट्रैवल करेगी और एक चीज़ मान लीजिए यहाँ से इस तरीके से टकरा रही है, इस तरीके से समुद्र के अंदर क्या है कोई आकृति बनी हुई है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ से रडार इन्हें क्या करा, एनर्जी साउंड वेव रिलीज करी, तो साउंड वेव को यहाँ पर जाने में जितना टाइम लगेगा
उससे ज़्यादा टाइम यहाँ पे जाने में लगेगा, क्योंकि ये अंदर तक है काफ़ी गहराई तक, और ये टकरा के जब वापस आएगी तो ये वाला एरिया जो है यहाँ से टकरा के वापस जल्दी आ जाएगी, और कंपैरिजन में इसके यहाँ से टकरा के आने में देर लगेगी, तो इसी तरीके की आकृति यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो साउंड वेव्स हैं उनके आधार पर सोनार क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। इसी तरीके से होता है लेज़र, ठीक है, लेज़र होते हैं, लेज़र स्कैनर होते हैं। लेज़र स्कैनर का मतलब होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिटेड रेडिएशन, ये बीम के माध्यम से जो एनर्जी होती है ये एक बीम के माध्यम से रिलीज़ करते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट एनर्जी को ऑब्जर्व करके क्या करते हैं, हमें डेटा को प्राप्त हमें डेटा देते हैं। ठीक है, और तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया एक्टिव पैसिव सेंसर में, और इतना अगर आप कर लेंगे, इनको बस आप याद कर ले, और इनकी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई उस इन्फॉर्मेशन को आप याद कर लीजिए, बस आपका काम बन जाएगा। एग्ज़ाम में इससे बाहर क्वेश्चन ना आया है और ना आने की संभावना है। ठीक है, तो और कल हम अब डिस्कस करने वाले हैं, कल हम डिस्कस करेंगे जो इस तरीके, इसमें तो हमने डिस्कस किया क्या कि जो ऊर्जा के आधार पे, ठीक है, कि किस तरीके की ऊर्जा जो स्कैनर है सेंस करता है, कल हम इस आधार हम क्या आधार पे क्या करेंगे डिटेल में डिस्कस कि जो सेंसर होता है यहाँ पे जो सेंसर है वो सेंस किस तरीके से करता है। ठीक है, वो अक्रॉस द ट्रैक करता है, ठीक है, कि क्या उसका जो प्रणाली होती है, क्या उसका जो सिस्टम होता है वो विस्क ब्रूम है, पुश ब्रूम है, शायद आपने इनका नाम सुना हो, और अगर सुना है, अगर कन्फ्यूजन है, नहीं भी सुना है तो बिल्कुल कल निश्चित रूप से आपको इन सभी चीज़ों में बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो कल मिलेंगे हम, और जिसमें हम ये विस्क ब्रूम, पुश ब्रूम और IUFOV इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू और रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन के टाइप्स, इन सभी को डिटेल में देखेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना चीज़ है उतने डिटेल में देखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से वन बाय वन करके GIS रिमोट सेंसिंग कंप्लीट कराते हुए फिर हम बढ़ेंगे किसकी ओर, हम बढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल मेथड्स की तरफ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।